नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश फटाफट ताजे समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व प्रशासकों के साथ बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी 16 व 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 से पैदा हुए हालात अनलॉक 1 के अगले चरणों पर चर्चा करेंगे। 16 जून को प्रधानमंत्री मोदी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से बात करेंगे, जबकि 17 जून को पीएम मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल और कॉलेजों में जुलाई महीने में दाखिले की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार के एडवाइजरी के अनुसार परिस्थितियों को देखकर अगस्त से कक्षाएं प्रारंभ करने में विचार किया जाएगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने स्पष्ट किया कि जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलेगा, लॉकडाउन नहीं होगा। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों को ₹100 जुर्माना लिया जाएगा। इसके साथ 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त किसानों को देने की बात कही। भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बापू नगर वार्ड 29 में स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आने वाले समय में खुर्सीपार क्षेत्र के बापू नगर में यह तालाब आकर्षण का केंद्र होगा। राज्य परिवर्तित की राशि 3,33,00,000 की लागत से विकसित हो रहे तालाब में बहुत कुछ खास है, जिससे यहाँ पर आने वाले लोगों को नेहरू नगर के मरीन ड्राइव जैसा सुखद एहसास होगा। महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर किए जा रहे इस तालाब का कार्य 80% तक पूर्ण हो चुका है। केवल 20% कार्य शेष रह गया, जो कि शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। दुर्ग जिले के कोविड अस्पताल में नाश्ता, गंदे बिस्तर सहित अनेक अव्यवस्थाओं को लेकर मरीजों ने मोर्चा खोल दिया था। भर्ती मरीजों के अनुसार उनके पहने हुए कपड़ों को 2 दिन से नहीं बदला गया। डिस्पोजेबल बेडशीट भी 2 दिनों से उपयोग की जा रही है। उनके द्वारा सोशल मीडिया में फोटो व वीडियो वायरल करने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। आम लोगों में भी इस बात की जमकर चर्चा है। भिलाई नगर निगम के जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 27 घासी नगर के औद्योगिक क्षेत्र में शिवा मिनरल्स के संचालक द्वारा नाली किनारे अतिक्रमण करते हुए 70 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। आयुक्त के निर्देश के पालन में जोन 2 के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी की अगुवाई में निगम की टीम पहुंची और JCB से अवैध रूप से निर्माण किए जा रही दीवार को तोड़ने की कार्रवाई की गई। आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा के तहत रजिस्ट्रार के निहित बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के सुचारू एवं निर्बाध रूप से कार्य संचालन के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर दिया है। कार्यालय पंजीकृत सहकारी संस्थाओं से इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सहकारी की सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) में बोर्ड का अवसान होने पर बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अपने पद रिक्त कर दिए गए। आदेश में बताया गया कि जिला सहकारी केंद्र बैंक दुर्ग के बोर्ड का निर्वाचन 12 जून 2015 को संपन्न हुआ था। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, जिसके अनुसार कार्यकाल 11 जून 2020 को पूर्ण हो चुका है। एक और राज्य शासन अपनी तरफ से कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं राज्य में स्थित रायपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत 55 कोच में 440 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा रेलवे कम्युनिटी सेंटर, रेलवे इंस्टीट्यूट और RPF बैरक में क्वारंटाइन सेंटर के 122 बेड बनाए हैं। इनका उपयोग किसी भी समय शुरू किया जा सकता है। कोरोना महामारी का जिले में तेजी से फैलाव के बीच वह रिसाली निगम क्षेत्रों मुहारी मरोदा एवं नेवाई भाटा में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित करने
के बाद अपर कलेक्टर व निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे मातहत अधिकारी रमाकांत साहू के साथ कल रात्रि में उल्लेखित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर निगम द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं उचित मार्गदर्शन दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश व उप पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं दुर्घटना जन्य क्षेत्र सुधारात्मक कार्य के लिए सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया। यातायात पुलिस की सड़क सुरक्षा समिति के प्रयास से ही विगत वर्ष दुर्ग जिले में 9 ब्लैक स्पॉट एवं 59 ग्रे स्पॉट थे, जिसमें कमी लाते हुए वर्तमान में 4 ब्लैक स्पॉट व 45 ग्रे स्पॉट हैं तथा सड़क दुर्घटना मृत्यु में कमी आई है। इसका प्रतिवर्ष 10% कम करने का टारगेट किया गया है। समय से पहले छत्तीसगढ़ में मानसून ने बस्तर की ओर से दस्तक दे दी है। कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही सूबे के कई जिलों में 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी है। 18-19 तारीख तक पहुंचने वाले पूर्ण मानसून के पहले छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई इलाकों में तूफान के साथ हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।